दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही टेस्ट सीरीज का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है, क्योंकि भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड की सरजमी पर भी उतना ही शानदार रहा है, जिसके लिए टीम इंडिया हमेशा से जानी जाती है। लेकिन इस बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगलते हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपनी चेतावनी दे दी है और भारतीय टीम के लिए ऐसी बात कह दी है जिसको सुनने के बाद तो शायद आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन इस बीच रोहित शर्मा भी इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड को मुंहतोड़ जवाब देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने जवाब में सभी की बोलती बंद करते हुए अपनी बात कही है। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मुकाबले में घुटनों पर झुका दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लेकिन करारी शिकस्त के बाद इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड अपना आपा खो बैठे और उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ जमकर जहर उगला और अपना विवादित बयान दे डाला। क्रिस सिल्वरवुड ने अपने बयान में कहा कि अब भारतीय टीम को पूरी तरह से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि तीसरे टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से हमने रणनीति बनाई है, भारतीय टीम को हम उस मुकाबले में हराकर जल्द ही सीरीज को 1-1 से बराबर करेंगे और उसके बाद हमारा लक्ष्य होगा कि ये सीरीज हम 3-1 से जीतें, क्योंकि हमने अपनी टीम में परिवर्तन किया है और शायद भारत के सामने हमारे वो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और इसके अलावा भी सिल्वरवुड ने भारतीय टीम को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी सिल्वरवुड को मुंहतोड़ जवाब देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि सिल्वरवुड दूसरे टेस्ट में मिली हार का गुस्सा अपनी जबान से उतार रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को गहरी ठोस पहुंची है और वो 7 साल के बाद लॉर्ड्स के इस मैदान पर हार गए। ये शायद क्रॉस सिल्वरवुड का ही गुस्सा फूट रहा है। लेकिन इसके साथ ही सिल्वरवुड की गलतफहमी को जल्द ही दूर करते हुए बता देना चाहता हूं कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से इंग्लैंड की टीम और कप्तान रणनीति बना रहे हैं और भारतीय टीम को सिल्वरवुड ने हराने की बात कही है, ये तो ख्याल सिल्वरवुड को अपने दिमाग से जल्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी लगभग पूरी तरह से अपनी शानदार फॉर्म में हैं। और बात रही कुछ खिलाड़ियों की, तो अगर हमें लगेगा तो हम टीम में भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन जिस तरह से खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में प्रदर्शन किया है और उसके बाद प्रैक्टिस में अपने जौहर दिखाए हैं, उसको देखते हुए तो एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि फिर एक बार इंग्लैंड की टीम को हमारी टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में धूल चटाने वाली, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की काबिलियत का अंदाजा तो हमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में ही लग गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों में इतनी प्रतिभा नहीं है कि वो भारतीय तेज गेंदबाज के सामने अपना वर्चस्व दिखा पाए। और बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम इस सीरीज को 4-0 से इंग्लैंड को हराएगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम धराशायी हो जाएगी, आप सभी को क्या लगता है कि तीसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर इंग्लैंड, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।